मतलब दे आर गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर द लॉस्ट ऑफ देयर सन, अपने लड़के को खोने का धन्यवाद देते हैं। कितनी बड़ी चीज है धन्यवाद, है ना। पाने पाने का तो धन्यवाद देते हैं यार, लेकिन खोने का धन्यवाद कभी दिए हैं क्या? ये सोचो, हम बढ़ाई बढ़ाई जो है सब पाने वाले सब अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, कभी कोई बुरी चीज के लिए हमने धन्यवाद दिया है क्या? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। यीशु आए। खुदा बाप को धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक और अवसर दिया कि हम सब मिल सके और इस कार्यक्रम में जुड़ सके। जैसे कि धन्यवादी पर्व चल रहे हैं नवंबर के महीने में, मैं फिर उसी सब्जेक्ट को लेकर, उसी धन्यवाद को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर कुछ नए अंदाज में फिर से आपसे बात करना चाहूँगा, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे और हम उसमें आगे बढ़ सके। आइए हम इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले प्रभा तिमोथी की एक गीत को सुनेंगे और उस गीत के बाद फिर हम परमेश्वर के वचन से आगे सीखेंगे। आइए हम फिर अपन जुड़ते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, मेरी सहायता करे कि हम सब मिलकर उसके आशीष को प्राप्त कर सकें। मैं लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 17 का 11 से लेकर 19 तक आप निकाल के रख लीजिए या पढ़ते रहिए, जैसा भी करेंगे आप देखते रहना, मैं उसी को लेकर बात करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपन जैसे कि बहुत सारे अपन त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि ईस्टर की सर्विस करते हैं, क्रिसमस का करते हैं, गुड फ्राइडे की मीटिंग्स भी हम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और उसी प्रकार से हम एक धन्यवादी का भी एक पर्व मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने सालाना दान भी देते हैं, और जो कुछ भी हमको देना है, हमारी उपज है, जो कमाई है, उसमें से भी वार्षिक दान भी हम देते हैं। तो ये लॉकडाउन का पीरियड रहे तो भी हमको ये सब चीज़ें करना है, और जितना हमको देना है उसको हमको देना है, इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में किसी प्रकार की कमी ना हो और उसके भंडार में कभी कोई चीज़ की घटी ना हो। हम इस पर्व को कितना महत्व देते हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ये चीज देखिए कि हम अपना धन्यवाद कैसे प्रकट करते हैं, मतलब हाउ वी एक्सप्रेस आवर थैंक्स गिविंग, कैसे हम देते हैं,
इसको जैसे मतलब हमको एक्सप्रेस करना पड़ता है, मैं बताऊं आपको, बताना पड़ता है, जिसको बोलेंगे जाहिर करना पड़ता है, प्रदर्शित करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। मतलब थैंक्स मतलब देना, मैंने बताया ना पहले, थैंक्स गिविंग जो है हमको देना है, परमेश्वर को देना है। क्या? उस सारी भलाइयों के बदले में। अच्छा, जो कुछ भी मेरे पास में है वो तो मेरा है ही नहीं, वो तो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। तब उसको हमको लौटाना पड़ेगा और उसको हम धन्यवाद देते हैं। मतलब वी हैव टू शो इट टू गॉड, परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर की करुणा जो है हमारे साथ बराबर बनी रहती, उसकी दया अनुग्रह में हम बने हुए हैं, हम बराबर उसमें टिके हुए हैं, नहीं तो हम इस संसार में टिक भी नहीं सकते। सारी आशीषें उसके द्वारा दी गई हैं। तो इसीलिए पिछले हफ्ताओं में मैं यही बताते आ रहा हूँ कि अपने आशीषों को गिनो, अपने धन्यवाद को दो, और यही चीज़। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उसके धन्यवाद को कैसे प्रकट करें, हम कैसे दें, उसके धन्यवादी पर्व को हम कैसे मनाएं, और व्हाट इज एक्चुअली परफेक्ट थैंक्स गिविंग, सही उचित थैंक्स गिविंग क्या है, सही धन्यवाद क्या है, सही धन्यवाद मन कैसे प्रकट करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अपन देखेंगे भजन संहिता उसका 107 और उसका पहला वचन हम देखेंगे, मतलब साम्स 107:1, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक ऐसा ही है जैसे कि ये जब चर्च में एक आध बार मेरे को बोलना था तो मैंने भजन संहिता 136 पे बोला, और मैं ये बोला कि हम जब यदि बाइबल कोई नहीं लाया है तो यहाँ पर आपके लिए मैं सहायता करूँगा कि मैं उत्तरवादी पाठपन पढ़ेंगे और उसमें क्या करेंगे कि मैं पढ़ूँगा और जहाँ मैं रुकूँगा तो आप बोलना और उसकी करुणा सदा की है, ये चीज़ आप बोलते रहना, क्योंकि ये भजन में ऐसा है जो भजन संहिता 136, इसको निकाल के कभी आप पढ़ के देखना, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, जैसे 107 में लिखा है वैसे ही लिखा है। और क्या क्या, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसके बाद सब क्या पढ़ेंगे, और उसकी करुणा सदा की है, ऐसा बोल के इसमें 26 वचन है, और 26 वचनों में 26 बार यह लास्ट पैराग्राफ हर वचन के हर वर्ष के बाद में दिया है, और उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, बोलते रहो उसकी करुणा 26 बार बोलो आए हो, मतलब आप पढ़ोगे तो 26 बार बोलोगे, तो उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसमें हम भागीदार हैं, हमारे ऊपर वो करुणा है, ये चीज हमको देखना पड़ेगा। मतलब इसी को लेके अपन है, जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना, हम बोलते जाएंगे ना, ये समझ में आते जाएगा, क्योंकि ये वाला कोड़ी लोग का जो उदाहरण मैं लिया हूं, इसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि अपन बोलते हैं कोड़ मतलब पाप, पापी कोड़ी क्यों है, क्योंकि पापी, ये ऐसे करके मैं जैसे लेप्रसी हॉस्पिटल में पहले मिशनरी लोग थे, उस समय भी मेरे को बुलाते थे मीटिंग लेने के लिए बीच बीच में, उस समय 100-150-200 पेशेंट रहते थे, लेडीज और जेंट्स सब मिला के पूरा चर्च कैपिटल भर जाता था। उस मीटिंग में मैंने ये बोलने की उनकी कोशिश की कि देखो भैया, कोढ़ है इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी हो, कोढ़ जो है एक पाप का चिन्ह है, एक सिंबोलिक है, बताया है कोढ़ी मतलब पाप है करके, क्योंकि उस रोग को उस ऐसा मानते थे कि ये पाप है, पाप के कारण मानते थे, ये कोढ़ी जो है पापी नहीं है, कोढ़ी भी बच सकता है, कोढ़ी के लिए भी कोढ़ी नहीं है, ये कोढ़ एक बीमारी है, जैसे कैंसर है, टाइफाइड है, और मेजल्स हैं, पॉक्स हैं, ये मतलब टाइफाइड है, वैसे एक बीमारी ये भी है। तो इसलिए मैं उनको इंकरेज करने की कोशिश करता था कि दे शुड नॉट हैव दैट इम्प्रेशन दैट कि कोढ़ी है मतलब पापी है, ये जो है कर्स है, ऐसा नहीं, एक बीमारी है। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे बदन में भी ऐसे मतलब वो चीज़ रेसिस्टेंस पावर यदि नहीं है तो कोढ़ हमको भी हो सकता है, जिसके पास है वो नहीं होता है, जिसके पास वो रेसिस्टेंस पावर कम है तो वो कीटाणु काम कर जाते हैं और वो नसों को खड़ देते हैं और मतलब वो नमनेस हो जाता है, सुन्न हो जाता है, और ये बीमारी होती है, उसके कारण बीमारी फैलती है जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मत समझना, ये मैं बताना चाहता हूँ, इट इज ए सिंबल, कोड़ मतलब पाप से सूचित चिंकित किया गया है, सिंबोलिक लिया गया है, ऐसा यह लिखा है कि 11वें वचन में, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले।
ये मैं पिछले इसमें भी कभी रेफरेंस में आपको दिया था, 10 मिले और ये 10 जो क्या करते हैं, वो दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। दूर खड़े होकर शब्द कहा, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया। स्वामी मतलब उन लोग का हे मास्टर, उन्होंने स्वामी मान लिया, गुरु मान लिया और ये जान गए, जान के जैसे अंधा बोलता दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, जैसे वो स्त्री छूती है तो वो चंगी हो जाती है, वो पेड़ पे चढ़ता है वो चंगा हो जाता है, वो टैक्स वसूली कर रहा है वो चंगा हो जाता है, मछली पकड़ रहे हैं वो चंगा हो जाते हैं, जो उसके पास जाते हैं वो चंगा हो जाते हैं, जो मेरे पास आएगा वो कभी निराश नहीं होगा बोलता है, वो चंगे हो जाते हैं। हर किसी को, मैं रोगी था मुझे चंगा किया, मैं पापी था मुझे चंगा किया, ये चीज मतलब हम उसको धन्यवाद क्यों नहीं देंगे, धन्यवाद देंगे क्यों नहीं देंगे, क्योंकि धन्यवाद देंगे। देखिए बाइबल में जो है के कोड करके करीब करीब मैं बताऊं ये 68 टाइम्स लिखा हुआ है, 68 बार लिखा हुआ है, उसमें से पुराने नियम में 55 बार कहा है और नए नियम में 13 बार कहा है, ये इसका टोटल फिगर 68 टाइम्स ये कोड के बारे में कहा गया है। कैसे भी है लेकिन यहाँ पर 10 कोड़ी है, मतलब ये 10 लोग हैं, एक पैराबल है, एक एग्जांपल है कि ये कोड़ी लोग, जैसे कोड जो हुआ इनको शहर से बाहर कर देते थे, शहर के बाहर मतलब आउट ऑफ सिटी, बाउंड्री वॉल के बाहर, उस सरहद के बाहर कर देते थे, और उनके रिश्तेदार यदि कोई प्रेमी है, यदि प्रेम करते हैं तो लाके उनको खाना वाना दे तो खाते थे, नहीं तो फिर भूखे रहते थे। जैसे कि राजा, दूसरे राजा उसके सातवें अध्याय में अपन देखेंगे 4 कोड़ी के बारे में वर्णन किया गया है, वो शहर के बाहर थे, उधर जो है वो सीरियन आर्मी जो थी वहां पर थे, उसमें जाकर वो जाके परमेश्वर ने करिश्मा किया और आवाजें निकाली और वो भागे, और वहां जाकर इन लोग बोलते हैं यहां रहेंगे तो मरेंगे, वहां जाएंगे तो उन लोग मारेंगे, तो जहां भी चलो वहीं चलो खा के मरते करके उन लोग वहां घुसे, खाली मिला, खाए, खबर दिए, और खबर देने के बाद ये गए और फिर जैसे भविष्यता ने कहा वैसे हुआ, सब कुछ हो गया, अकाल सब था, अकाल सब दूर हुआ। अब जो भी उसको आप पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन यहां पर देखिए ये क्या कहता है, हे स्वामी हम पर दया कर, उसने हम पर दया कर करके कहा और यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया। यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए कितने अद्भुत काम किए, कितने आश्चर्य कर्म किए, सारे आश्चर्य कर्म जो है वो कैसे किए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारे बीमारी को दूर करने के लिए, हमारे जो पाप है हमारा स्वभाव उसको निकालने के लिए उसने सारा इंतजाम किया। और क्या करता है, रोमियो का खत 12 और उसका 1 और 2 को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारे आत्मिक सेवा क्या है, हमारे शरीरों को पूरा बलिदान करके चढ़ाओ, क्यों, क्योंकि उसने अपना शरीर हमारे लिए बलिदान कर दिया है। दूसरे वचन में कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये क्या, इसमें सारी चीजें दी गई, स्पिरिचुअली हमको बोला गया है, फिजिकली हमारे लिए बोला गया है, सोशली हमारे लिए बोला गया है, और साइकोलॉजिकली हमसे बातें की गई हैं। सब चीजें करके क्या करना है, इच्छा अनुभव से और ज्ञात करते रहो, हम अपने अनुभव से उसको मालूम करते रहे और उसकी सेवा में आगे बढ़ सके। यहां पर देखिए ये लोग जो है दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से चिल्लाए, दूर खड़े हुए मतलब उस समय क्या था कि 100 फीट कम से कम इनको दूरी रखकर पड़ता था, और ये यदि कोई जानता नहीं है कि ये इनको कोड की बीमारी है तो ये इनको चिल्लाना पड़ता था कि हम अशुद्ध हैं, अनक्लीन अनक्लीन करके करना पड़ता था। ये चेहरा ढाक के रखते थे, घूंघट निकाल के रखते थे, दुपट्टा से छुपा के रखते थे, अपने लोगों से नहीं मिल सकते थे, अपने लोगों से प्यार नहीं कर सकते थे, अपने परिवार में नहीं रह सकते थे, अपने कलीसिया में नहीं रह सकते थे, अपने सोसाइटी में नहीं रह सकते थे, ये सब चीजें अलगाव किए हुए थे, इनको मतलब एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया
गया, इनको निकाल दिया गया, इनको बहिष्कार कर दिया गया, शहर के बाहर कर दिया गया। ये क्यों? क्योंकि ये पापी थे, पाप का रोग इनमें था। जो पाप यदि मेरे अंदर में है, पाप का रोग मेरे अंदर में है, तो मुझे इसी प्रकार से आत्मिक तौर से अलगाव कर दिया जाता है और ये अलगाव हो जाता है। और यहां पर उन लोगों ने समझ के कहा है, हे स्वामी हम पर दया कर। उसने देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। 14 वचन में पढ़ रहा हूं, यही लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 14 पढ़ रहा हूं। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजकों को, याजक क्या उस समय याजक थे जो सर्टिफाई करते थे, वही उस समय के क्या कहिए कि मेडिकल एक्सपर्ट थे या जो भी थे, जैसा भी है, इनको सारे पावर्स दिया गया था। इनको क्या है, इन लोग जाके वहां दिखाते थे, फिर जो कुछ भी दान देना है, जो कुछ करना है करे, फिर याजक यदि उसको सर्टिफाई कर देता था तो कि ये अनक्लीन है तो फिर ये चार के बाहर, यदि क्लीन है तो ये सोसाइटी में मिंगल हो सकते थे, मिल सकते थे, ये जुड़ सकते थे। ये किसलिए बोलता है, जाओ तुम याजक को दिखाओ। यहां पर एक चीज देखना, अभी क्लीन नहीं हुआ ना, अभी ये पवित्र नहीं हुए, अभी ये जो है चंगा नहीं हुए, अभी करिश्मा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह इनको बोलता है जाओ तुम याजकों को दिखाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी यीशु मसीह जो है चंगा नहीं किए, ये लोग 10 लोग जो है चंगा नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह ने इनको कहा याजक को दिखाओ। और इन लोगों ने ये भी नहीं कहा कि हमको पहले तू ठीक कर तब हम याजक को दिखाएंगे, यहाँ पर नहीं बोले। इन लोग क्या किए, लोग गए याजक को दिखाने के लिए, और ये मतलब दे हैव ओबेड, उन लोग ओबे किए, इन लोग आज्ञा का पालन किए, और क्या याजकों को दिखाओ बोला है, और क्या इन लोग बोल सकते थे हमको शुद्ध करते हैं तब तो जाएंगे मालिक, याजक के पास जाएंगे वो द्वार पे ही द्वारपाल रोक देगा, हमको तो अंदर जाने ही नहीं मिलेगा, याजक जो है इंटरव्यू ही नहीं देगा, याजक हमको परमिट ही नहीं करेगा, हम कैसे जाएंगे, हम तो अशुद्ध हैं, हम वहाँ कैसे पहुँच सकेंगे, तू हमें शुद्ध कर दे तब हम जाएंगे। नहीं कुछ बोले, आई अप्रिशिएट दैट, कुछ नहीं बोले, तू जा। और इसका फेथ है कि वो निकल के चले गए, और गए तो क्या हुआ, 14 बोलता है देखो, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, जाते जाते वे शुद्ध हो गए, यदि नहीं जाते तो नहीं होता, और गए तो हो गया। ये कि मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं जो चीज को, उस चीज को आप समझ के देखिए, हमारे अंदर से आना चाहिए वो। मैं ये बोलता हूं कि परमेश्वर क्या बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो, कितने बार बोलूं ये चीज हमको मालूम, उतना ही नहीं द्वार पे खटखटाता हूं तो क्या होगा, तुम खोलोगे तब मैं अंदर आऊंगा। अब कैसे कर, अंदर से तो बोल्ड लगा के रखा है, तू खोलेगा ना तब तो आएगा अंदर। लेकिन ऐसा है कि अंदर यीशु मसीह जो है वहां पर चेले लोग ऊपरी कोठरे में थे, दरवाजा बंद था, आ गया। वैसा भी कर सकता है, मतलब कर सकता है, लेकिन करवाना क्या चाहता है कि मैं कुछ करूं, तू जब कुछ कर तो मैं करूंगा, मेरे पर कंडीशनल रखा है। मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है, जैसे कि मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा, और देखिए आप बाद में आप भले पढ़िए। पहला शमूएल, यदि पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 30 वचन, इसको यदि पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सार ये मिलेगा कि मेरा आदर कर तो मैं तेरा आदर करूंगा। वैसे ही आगे अब देखिए, मतलब जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, ये लिखा है 1 शमूएल 2:30 में। वैसे ही मैं आगे और बताता हूं, जेम्स याकूब 4:8 में देखना, उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मतलब यू कम टू मी आई विल कम टू यू, तू एक कदम मेरे तरफ बढ़ा मैं तेरे तरफ 10 बढ़ाऊंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और क्या, तू मेरे तरफ देख तो मैं तेरे लिए करिश्मा करूंगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं नहीं निकालूंगा, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, और चाहते हो तो उस सामरी स्त्री को खोज के उसके पास जाना था, सामरिया से उसको जाना था, और उसके लिए अवश्य था कि वो जाए, 4 अध्याय 9 में बोलता है, इसलिए वो गया कुएं के पास, उस स्त्री को पकड़ा और उसका कन्वर्शन हो गया। और देखिए जकरिया 1:3 को देखिए, इसमें मैं बताता हूं आपको, जो मेरी तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये क्या,
कंडीशन रखा ना, कंडीशन ही कंडीशन, चारों तरफ कंडीशन रखा है, कंडीशन कंडीशन रखा है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन ये देख मिले तो मैं बताऊं आपको, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और 12 वचन में क्या बोलता है, जो मेरा इनकार करेगा तो मैं उसका इनकार करूंगा। अभी तक तो पॉजिटिव में चल रहा था, तुम मेरी तरफ आओ मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, तुम मेरा आदर करो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, ये सब हो गया। अब वहां पर क्या बोलता है, दूसरा तिमोथी 2:12 में क्या बोलता है, मेरा इनकार जो करेगा मैं उसका इनकार करूंगा, जो मुझे रिजेक्ट करेगा मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। मतलब सीधी सीधी बात, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। इसको बताया अकेले अपील कर सकते, जैसे मतलब खत्म, फिर कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तुम मेरी तरफ नहीं होगे तो तुम किसी दूसरे तरफ जाओगे, नरक में जाओगे, स्वर्ग या नरक, मेरी तरफ जाओगे या तुम दूसरे अपवादी के तरफ जाओगे, इस चौड़े रास्ते में जाओगे कि सकरे रास्ते में जाओगे, क्रूस सलीबी लहू को लेके जाओगे कि तुम अपवित्रता को लेके जाओगे। याद रखना, सलीबी लहू से जो है हमारा सारा मल जितना भी हमारा मैल है सब धुल जाता है, सब दूर हो जाता है। अब क्या बोलता है, इसी लूका 17 में क्या बोलता है, तब उस 15 वचन पढ़ता हूं, तब उनमें से एक यह देख कर मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा, बोले जाओ याजक को दिखाओ। और ये जो लौटा ना, ये आगे आप पढ़िए, ये सामरी था, ये जो है फॉरेनर था, ये जो है अलग था, जो बाकी 9 लोग हैं ये अलग है, ये अकेला अलग है। अब ये देखिए, जाके याजक को दिखाओ बोला, इन लोग 10 लोग जाके याजक को दिखाए, लेकिन एक ने पहचाना कि याजक कौन सी चीज है, यार मैं तो महायाजक की कदर करता हूँ, महायाजक को जानता हूँ जो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और वो लौट के आया और यीशु मसीह के पास आया, और उसमें क्या हुआ, यीशु मसीह के पास आकर यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिर गया, यीशु के पाँव पर गिर गया। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, यही लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आप देखेंगे ना, इसमें भी एक चीज लिखा हुआ है, एक पैराबल दिया गया है और एक उदाहरण दिया गया है, कोढ़ी के रोगी को चंगा करना। उसमें क्या लिखा है, वहां पर लिखा हुआ है कि ये कोढ़ी जो था वो मुंह के बल गिर कर विनती किया, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु मसीह ने यहां पर, ये कोढ़ी था मतलब ये पापी था, इसको यीशु मसीह ने छुआ। अब छूने से क्या होगा, मतलब नो बड़ी शुड टच देम, ये डिस्टेंस होना चाहिए, ये रोगी अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, अशुद्ध अशुद्ध अपवित्र करके रहेगा, शहर के बाहर रहने वाला, लेकिन ये यीशु के पास गया, तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। यीशु मसीह ने उसको छुआ। अब छुआ तो क्या हुआ, क्या होना चाहिए, या तो छूते ही ये चंगा होना चाहिए, नहीं तो छूने वाला कोढ़ी हो जाना चाहिए। ये दो चीजें, मतलब वो संक्रमित रोग जो इसको बोलते हैं ना, और ये जो है वो उसको लग सकता है, छुआ है इसलिए लग जाएगा, और नहीं तो ये पवित्र, ये ठीक होगा नहीं तो वो ठीक होगा, ये बिगड़ेगा नहीं तो वो बिगड़, ये मतलब ये इक्वेशन जमेगा, उसने छुआ और वो शुद्ध हो गया। ये लुकर रचित समाचार 5वें अध्याय में आप पढ़ के देखिए, वहां पर देखिए। इस प्रकार मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने उससे कहा तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, और वो कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह कब नहीं चाहता कि हम ठीक हो, यीशु मसीह चाहता है कि आखिर में क्यों आया, आया इसलिए कि मैं ठीक हूं, आया इसलिए कि हम उस पाप से बचे, इसलिए हम उसको धन्यवाद दें, इसलिए हम उसका धन्यवाद परम मनाते हैं, इसको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसने कहा उसने हमारे लिए भलाई की, हमें छुआ, हमको चंगाई किया, हमारे रोग को दूर किया, हमारे पाप के रोग को दूर किया, हमको पाप से अलग किया, इसलिए हम उसको थैंक यू बोलते हैं, हम इसलिए उसको धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, उसने छुआ, वो ठीक, ये ठीक क्या है, 100 फीट डिस्टेंस होना चाहिए था, यहां पर नहीं है कोई डिस्टेंसिंग, उसने छुआ और वो उसको, और उसके बाद उसको क्या बोलता है, किसी से ना कहना, याजक को दिखा दे, जाकर ले सर्टिफिकेट ले, लेकिन किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। कभी कभी क्या होता है, ये सबको बताने वाला हो जाता है, इसको सर्टिफिकेट मिल गया, इतना बड़ा कोढ़ी ठीक हो गया तो सबको तो पता लग ही जाएगा, इतनी बड़ी बीमारी से ठीक हो गया है तो पता लग जाएगा,
अंधा था, देखने लगा, बोलने की जरूरत नहीं, सबको तो पता लग गया कि अंधा देख रहा है। ये तो अंधा चलता था, ये तो भीख मांग के लगड़ा बैठा रहता था, ये तो चल फिर रहा, मंदिर में घुस गया, ये कैसे हो गया, ये सब पता लग जाएगा। किसी को मत बताना ये बोल के, यदि आपको कोई चीज सीक्रेट रखना है ना तो किसी को मत बताना, बोल दो, या फिर सबसे पहले घर के लेडीज को बता दो, या और नहीं तो घर में जो आने वाली मेड सर्वेंट लेडी होना चाहिए, लेकिन उसको बता दो कि किसी को मत बताना, तो जाते जाते पूरे मोहल्ले में बताते चले जाएंगे। यदि किसी को मत बताना करके बोल नहीं बोलोगे, ऐसा ऐसा ठीक हो गया बोलोगे, तो हो गया, किसी को नहीं बताएंगे। यहां यीशु मसीह चाहता है कि मेरे जीवन से प्रकट हो, सबको पता लग जाए, और ये बोले किसी को मत बताना, याजक को दिखाना, और ये महायाजक है, महायाजक जब हमारे साथ में है तो याजक कौन सी औकात रखता है, और सारी चीजें हमारे लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता हमारे साथ में है, सृष्टिकर्ता हमारे पास में है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, हर भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। कितने हम लोग कैसे करते हैं, मालिश को बड़ा इजिली टाल देते हैं यार, कैसे हम इजीली ले लेते हैं, हम क्या हो गया हो गया। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। एक मैंने पढ़ा था कि एक आर्मी में लड़का गया था, क्योंकि मैं आर्मी में शुरू में इंटरेस्टेड था ना, तो ऐसे स्टोरीज पढ़ते रहता हूं। आर्मी में गया था और जाने के बाद जो है उसका वहां पर डेथ हो गया, जंग में खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो उसके माँ बाप चर्च में आए थे, तो उन लोगों ने उस हफ्ता 1,000 रुपए चंदा चढ़ाए और कहे ये हमारे लड़के के नाम से, जो कि देश के लिए शहीद हो गया, उसके नाम से हम परमेश्वर को दान देते हैं। मतलब दे आर गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर द लॉस्ट ऑफ देयर सन, अपने लड़के को खोने का धन्यवाद देते हैं। कितनी बड़ी चीज है धन्यवाद, है ना। पाने पाने का तो धन्यवाद देते हैं यार, लेकिन खोने का धन्यवाद कभी दिए हैं क्या? ये सोचो, हम बढ़ाई बढ़ाई जो है सब पाने वाले सब अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, कभी कोई बुरी चीज के लिए हमने धन्यवाद दिया है क्या? मैं आपको बताऊंगा, देखना, मतलब मैं अपनी कमजोरी को बता रहा हूं, हम उसको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू कल्टिवेट, इनकलकुलेट करना है, हमको उसको अंदर में उगाना है, करना है, सोचना है, समझना है, तब ये होता है, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करो करो, लगन होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, जो सारी चीजें परमेश्वर की दी हुई है। इसमें देखो, मैं ये उदाहरण बताऊं, ये लोग चढ़ाए, चढ़ा दिए, क्या हुआ, बाकी चर्च से लौट रहे थे, तो दूसरा एक कपल है, उनका लड़का भी आर्मी में आए। वो लेडी बोली है उस हस्बैंड से कि सुनो जी, कि उन लोग दिए हैं, अपना भी लड़का आर्मी में है, अपन भी लड़के के नाम से 1,000 रुपए अगले हफ्ते चढ़ा देते। तो हस्बैंड बोला, काहे के लिए, अपना लड़का जिंदा है, सोचिए, सोचो, समझ लो, लड़का जिंदा है, अभी क्यों चढ़ाते हैं? मतलब क्या है, उसके मरने का इंतजार कर रहा है क्या? वो मरेगा तब तू देगा क्या? जिंदा है तो नहीं देगा क्या? अरे वो मर गए तो दिए 1,000, तू जिंदा है तो 2,000 तेरे को देना पड़ेगा, ज्यादा खुशी तेरे को देना पड़ेगा, आशीष ज्यादा पाया ना तूने, तो ज्यादा आशीष पाया है तो ज्यादा देगा ना तू, तो इसलिए ऐसा। देखो ये मेंटालिटी हमारी है, कितने इजीली टाल दिए ना, लेकिन कितनी गहराई उसके अंदर में सोचे हो, कितनी बेईमानी उसके अंदर में सोचे हो, कितने नीच विचार है उसको आप सोचे हो। याद रखना कि मतलब हमारे अंदर में ये होना चाहिए, परमेश्वर को देने में मुझको अखरना नहीं चाहिए यार, मुझको खुश होना चाहिए। मैं तो 2 हफ्ते से वही तो बता रहा हूं कि धन्यवाद देने में मेरे को खुश होना चाहिए। धन्यवाद मतलब यू हैव टू गिव समथिंग, धन्यवाद मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स, जितने आशीष पाए गिनो नाम बनाम, धन्यवाद मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, धन्यवाद मतलब जो उसने दिया उसी को हम लौटाओ, जो मांगता है उसको दो, अपना जीवन उसको दो, और धन्यवाद के साथ अपने आप को चढ़ाओ, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 में 26 बार बोले हैं उसकी करुणा सदा की। अब बाइबल में देखते जाओ उसकी करुणा सदा की, कितने सारे लिखने वाले, जितने भी लेखक हैं, जितने भी दाऊद हैं, जितने भी लेख उसने 50 तो करीब उसने लिखा, उसमें भी देखे धन्यवाद के सब भजन दिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है और क्या चाहिए यार, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, मुझको कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि घोर अंधकार भरी तराइयों में चलूं तो भी मुझे कुछ भय नहीं होगा, कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा माई बाप मेरे साथ में है। याद रखना ये चीज होना चाहिए। और देखिए मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, मैं और बताता हूं, देखिए जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं,
हम लोग भी, मैं कई बार शायद अपने चर्च में भी मैंने बताया है, कई बार बताया हमने, क्योंकि हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, दुआ करके निकलते हैं। ट्रेन के लिए जाते हैं, बस के लिए जाते हैं, प्लेन के लिए जाते हैं, दुआ करते हैं, खुदा सारी चीज़ें नियत समय पर होने दे, कोई प्रकार की हानियाँ पाए ना होने पाए, कोई एक्सीडेंट ना, सुरक्षित हमें तू ले जा। ले गया, उसके बाद ले भी आया। अब घर का ताला खोले, फटाफट ये देखे वो ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, लाइट ऑन की वो किए, थोड़ा लंबा टाइम हो गया तो देखे कि एसी चल रहा है कि नहीं, फ्रिज चालू है कि नहीं, टीवी चालू है कि नहीं, सब कुछ है, तो चलो भाई ये कपड़े निकालो, वो करो, वो करो, सूटकेस खाली करो। हैव यू गिवन थैंक्स? हम लोगों ने बहुत समय बाद इस चीज करने ध्यान दिए। हम दोनों ने सोचा हमको लौटते ही दुआ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब भी हम लौटते थे ना, बच्चे तो सब बड़े होकर निकल गए, दो ही, जब घर ताला खोलते ना, मैं या आरती दोनों में से कोई एक छोटी सी दुआ करते थे, खुदा थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस सेफली बैक, हमें वापस अपने घर में लाया तुझे धन्यवाद। जैसे जाते समय दुआ किया था वैसे आते समय दुआ कर। याद, मैं एक एग्जाम्पल इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जो ये इसराइल का टूर है ना, ये टूर के लिए एक टीम जा रही थी, 25 फैमिलीज जा रहे थे, और 25 फैमिलीज ने चर्च में, बहुत बड़ा चर्च था, उस चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट कई हफ्ते पहले से दिए कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग के लिए दुआ करो, और उससे सब ने उनके सेफ ट्रैवल के लिए दुआएं वो करती थी, चाहे बृहस्पति का मीटिंग हो, कॉटेज मीटिंग हो, जो भी हो, संडे सर्विस हो, उन लोग सब फैमिलीज के लिए दुआ करते थे। लोग गए 10 दिन 12 दिन जो भी टीर था, टूर करके आ गए। उसके कुछ एक आध हफ्ते बाद पास्टर साहब बोलते हैं 25 फैमिलीज गए थे, 5 ही लौट के आए हैं, बाकी का पता नहीं क्या हो गया, ऐसा करके बोले ना। सब बोले मर गए क्या? बोले पता नहीं क्यों। बोले 5 ही लोगों ने आके धन्यवाद की दुआ करने के लिए बोले हैं, बाकी 20 लोगों का कोई अता पता नहीं, जरूरत खत्म हो गई, अब गए तो। बेटा याद रखना, हर चीज का लेखा लेता है। हमारी आवश्यकता रहती तो हम मांगते हैं, आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम नकार देते हैं, नकार नहीं बोलूंगा और क्या बोलूंगा, नकार देते हैं, वी नेग्लेक्ट, हम उसको खत्म, हमको वैल्यू से नहीं समझते, क्या है क्या नहीं, अभी तो लड़का जिंदा है यार, अभी क्या देंगे, मरने दे तब देंगे, ये क्या मेंटालिटी है हमारे अंदर में। याद रखना, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या बोलता है, ये 9 कहाँ गए। यीशु मसीह उससे कहता है कि वह धन्यवाद करने वाला और वह सामरी था, ये सामरी जो है इसने समझा, लेकिन जो इसके थे, यहाँ के लोग थे, ये नहीं समझे। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं 18 वचन में, क्या बोलते हैं, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। तब उसने उससे कहा, 19 वचन में कहा, उठ चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब सही चंगा हुआ है, परमानेंट क्योर अब हुआ है, जा तू जा, तुझे चंगा किया है, तू अब सही चंगा पाया है। 17 वचन में पूछता है ना, तू तो आ गया, बाकी 9 कहां, 10 थे ना, आई थिंक यू वर 10, तुम लोग 10 थे, अब 9 कहां गए। तो मैंने पिछले इसमें बताया था कि मैं अपने अंदर से बताता हूं, 9 क्या किए, दे आर एंजॉइंग देयर ब्लेसिंग्स, वो लोग मजे में, अरे हमारा, बोले तेरा नाक ठीक हो गया, अरे अरे वाह बाबा, तेरे भाव नहीं थे, भाव आ गया तेरा, अरे तेरे कान गायब था, कान आ गया तेरा, कैसे तेरे चेहरा भी जरूरत ही खत्म हो गई, अरे उंगलियां पूरी की पूरी आ गई, तेरी भी आ गई क्या, एक दूसरे को देख रहे, बोले हाँ, अरे मेरे को बोल रहा, तू देख ना तेरे को भी तो दिख रहा, तेरा भी तो नाक ऐसा है क्या, आईना कहाँ दिखा दिखा, बच्चे का पूछ, देखो बेटा, देख देखो मेरे पास आ गया क्या, इसे भी खुशी खुशी मना रहे हैं, चलो मुर्गा काटो, बुद्धा चेसन मनाओ, ये करो, क्योंकि ऐसा क्योर कहीं हो नहीं सकता, हो गया, लेकिन करने वाला कहाँ गया। याद तो कर, एक बार थैंक यू बोलते था ना, जिस डॉक्टर के इलाज से ठीक हो गया ना, उसके पास जाते फिर उसको बताने के लिए, थैंक यू डॉक्टर, आपकी दवाई से ठीक हो गया, वो डॉक्टर को भी खूब अच्छा लगता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो गया, हमें भी कुछ अच्छा लगता है, फिर दोबारा जाने का अवसर मिल गया, दोबारा जाओ तो अच्छे प्रेम से आपसे मिलेंगे। यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशन कैसा रखते हैं, हाउ यू आर मेंटेनिंग योर रिलेशन विथ योर जीसस योर सेवियर, इस चीज को सोचिए। हमको हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना सीखो। हम धन्यवादी मन, धन्यवादी का पर्व का मतलब ये है कि वी शुड
लर्न हाउ टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिव, एवरीथिंग इन पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव वे में सही ढंग में लेने की कोशिश कर। मैं एक पैराबल बताकर आपको खत्म करूंगा, वो है डैनियल डिफॉस करके एक राइटर है, वो जो है रॉबिन्सन क्रूसो करके एक उसके लेख हैं और उसके कई प्रकार मेरे ख्याल से पिक्चर्स ऑक्सेस बच्चों के पिक्चर्स वाले पुस्तकें भी कई हैं उसके, लेकिन उसमें जो दिया है मैंने एक मैगजीन से कलेक्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक आदमी शिप में जा रहा था नाव में और उसका ख़राब हो गया नाव और वो एक आइलैंड में एक द्वीप में फंस गया, वहाँ से निकलना मुश्किल है, अभी निकलेगा जैसा भी जो भी है लेकिन अभी फंस गया। फंस जाने के बाद उसके पास जो समस्याएं थी उसको बोलता है और लिखता है और उस समस्याओं का मतलब नकारते हुए, उसको रिजेक्ट करते हुए, उसके पॉजिटिव वे को लेते हुए उसका सलूशन भी लिखता है, दोनों चीज़ें। मैं कुछ चीज़ें आपको दो चार बता के, तीन चार बताऊँगा मैं, बाकी चीज़ें पूरा मैं नहीं बताता। पहली चीज़ बोला कि वो उस द्वीप में अकेला हो गया है, अकेलापन है। उसके बगल में लिखता है गुड थिंग दैट, क्या लिखता है तो भाई, मैं जीवित हूं और यीशु मसीह मेरे साथ में है, ठीक है। दूसरा, खाद्य सामग्री खत्म हो गई है, निगेटिव है, खाने को नहीं है, सब जो कुछ है सब खत्म हो गया है। उसका पॉजिटिव कैसा बोलता है, फल फूल है, जंगल है, खा रहा हूँ, कंदमूल है खा रहा हूँ, पानी है पी रहा हूँ, और क्या चाहिए मेरे को, सारी चीजों की भरपाई है। तीसरी चीज, एक ही जोड़ी कपड़े हैं मैं कैसे करूं, ये निगेटिव चीज हुआ, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करता है। मौसम इतना अच्छा है कि रात में ठंडी नहीं है, दिन में गर्मी नहीं है, आराम से मैं इन कपड़ों के साथ अपना जिंदगी गुजार सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं धोके यहीं सुखा के यहीं पहन के मैं काम कर सकता हूँ, मुझे कोई कमी घटी नहीं है करके बोलता है, ये पॉजिटिव है। एक चौथी चीज आखिर में बताता हूँ, देखिए बोलते हैं यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, सेफ्टी नाम की चीज नहीं है, अकेला हूँ, जंगल है, इसको पॉजिटिव वे में क्या बोलता है, कोई खतरा नहीं है, एक भी खतरनाक जानवर नहीं दिखा, न सांप बिच्छू दिखा, ना कुछ है, आराम से रह सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि सारी सुरक्षा ऊपर से मेरे को मिली हुई है। कन्वर्ट करो अपनी चीज को, अपनी हर बीमारी को, अपने हर दुख तकलीफ को, अपने हर कमी घटी को, अब दूसरों से देख के वैसा मेरे को चाहिए, ऐसा मेरे को चाहिए, लालच करता रहेगा ना तो देर इज नो एंड। और जैसा मेरे पास ये है, मुझे इतना दिया है, इससे ज्यादा और मेरे को क्या चाहिए सोचोगे, देयर इज आल्सो नो एंड, इसके लिए भी कोई एंड नहीं है, अनंत जीवन हमारा है। याद रखना मेरे अजीजों, हम कभी भी जीवन में निराश ना हो, एंड वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल, धन्यवादी मन धन्यवाद दो, क्योंकि 107 और 1 में जैसे और 136 में जैसे मैंने पढ़ के बताया साम भजन में कि यहोवा का धन्यवाद करो वो भला है, यहोवा का धन्यवाद करो वो भला है, और यही जो है सही धन्यवाद है, यही जो है उचित धन्यवाद है जो यहाँ से निकलता है, मतलब गिव परफेक्ट थैंक्स, परफेक्ट थैंक्स, उचित धन्यवाद तुम दो, और यही आज हमारा विषय है कि हम सही ढंग से उसको धन्यवाद दें, अपने जीवन को सही रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, धनात्मक विचार को रखें, अच्छे विचारों को चलें, हर चीज में अप्रिशिएट करें, खुदा को धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें, उसका गुणानुवाद करें, उसे कभी भी कोसो नहीं, कभी कोई कमी घटी को दिखाओ नहीं, हर चीज के लिए रास्ता है और उसको सही करो और उसमें धन्यवाद दो और हर बात में धन्यवाद दो तो तुम उसकी आशीष को प्राप्त करोगे। खुदा चाहता है कि हम उसकी प्रशंसा करें, प्रशंसा कैसे करेंगे, धन्यवाद के द्वारा प्रशंसा करेंगे, और यही प्रशंसा हमें स्वर्ग के राज में ले जाएगा, वहां पर तो फिर माहौल ही दूसरा है। फॉर विच आई एम लॉन्गिंग, हम उसी के लिए ठहरे हुए हैं, अनंत जीवन ये हमारा है, ये आशा हमारे अंदर में, यही होप है,
यही एक्सपेक्टेशन है, यही हमारी उम्मीद है। परमेश्वर इस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए हमको आशीषित करे। आइए हम प्रभा के उस गुचे हुए गाने के दूसरे अंश को सुनेंगे और सुनने के बाद हम दुआ करेंगे और दुआ करके आशीष के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे और धन्यवाद मन उसको सदा सदैव प्रकट करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। कर दे समर्पण आत्मा ओ जीवन, कर दे हमारे दयालु अनुग्रहारी परमेश्वर, एक बार फिर तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरे स्तुति आराधना करते हैं। खुदावंद आज की इन परिस्थितियों के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं, इसके द्वारा भी तू हमसे बातें करना चाहता है इसके लिए धन्यवाद देते हैं, इसमें भी तूने सुरक्षा दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी खुदावंद इस रोग से पीड़ित है, कोविड से परेशान है, उस सारे लोगों को तू चंगाई दे, सहायता कर और एक नए जोश के साथ नए जीवन प्राप्त करते हुए तेरी सेवकाई में हर कोई लग सके, ऐसी तेरे कृपा अनुग्रह चाहते। सारी संसार तुझे पहचान ले, तारा विश्व तेरे नाम से जग जाए, ये हमारी तुझसे दुआ है। हम में से जितनों ने सुना है हर एक पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं, तेरे दाहिने हाथ की आशीष को चाहते हैं, तेरी कृपा अनुग्रह बने रहना चाहते हैं, तेरे अधीन में बने रहना चाहते हैं और तेरे आते तक खुदावंद या हम तुझसे मुलाकात करते तक ये विश्वास हमारे अंदर में बना रहे, ये हमारी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आज से लेकर सदा सदा लोग बनी रहे, आमीन।